दोस्तों स्वागत है आपका नमस्ते इंडिया न्यूज़ में। मैं हूं आपका दोस्त नवीन शर्मा। दोस्तों हम बात करें मौसम विभाग के लेटेस्ट अपडेट की। दोस्तों मौसम विभाग ने लेटेस्ट अपडेट जारी कर दिया है एवं बताया है मानसून को लेकर ताज़ा अपडेट को कि किन क्षेत्रों में मानसून किस तारीख को दस्तक देगा, इसको लेकर अपडेट है। साथ ही 21 मई को लेकर भी भयंकर अपडेट और अलर्ट जारी हुए हैं जो कि हमने आपको सुबह की वीडियो में बताए थे। और मौसम विभाग नए अपडेट भी जारी कर दिए हैं 21 मई को लेकर, जिसके कारण कई क्षेत्रों में आंधी बारिश दस्तक देने वाला है। तो यहाँ के लोग सावधान रहे, सतर्क रहे। तो चलिए चलते हैं अपडेट की ओर। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूंगा, आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन दबाएं, जिससे अपडेट रहे आप देश की सभी कैटेगरी की अपडेट एवं अलर्ट खबरों से। दोस्तों आप यदि अपने क्षेत्र का मौसम जानना चाहते हैं तो अपने क्षेत्र का नाम व अपने राज्य का नाम टाइप करके कमेंट में हमें बता सकते हैं, परंतु पूरी वीडियो देखने के बाद। चलते हैं अपडेट की ओर, जान लेते हैं क्या है मौसम विभाग का ताज़ा अपडेट। दोस्तों मानसून को लेकर बड़ी खबर निकल कर आई है। राजस्थान में जल्दी देने जा रहा है दस्तक, अगले 24 घंटों में मौसम को लेकर जारी हुआ अलर्ट। दोस्तों प्रदेश में बीते सप्ताह से चल रहा आंधी अंधड़ और बारिश का दौर फिलहाल सुस्त पड़ने लगा है। चक्रवाती तंत्र कमजोर पड़ने के साथ ही दिन और रात के तापमान में बढ़ोतरी होने पर गर्मी तीखे तेवर दिखाना शुरू हो चुकी है। वहीं अब राजस्थान में मानसून को लेकर बड़ी खबर आई है जो कि भारतीय मौसम विभाग IMD के द्वारा बताया गया है। मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान में मानसून 2019 के जुलाई के पहले सप्ताह में प्रवेश करने की संभावना है। तो अच्छी खबर है राजस्थान वासियों के लिए, उनके लिए जो है भारतीय मौसम विभाग ने अपडेट जारी कर दिया है कि जुलाई के पहले सप्ताह में यानी कि 1 से लेकर 7 जुलाई तक मानसून प्रवेश करने की संभावनाएं वहां पर बनी हुई है। मानसून प्रदेश की सीमा में जून माह के अंतिम सप्ताह में अपना असर दिखाना शुरू कर देगा, लेकिन पूर्ण रूप से जुलाई के पहले सप्ताह में ही आएगा। और मौसम विभाग IMD के अनुसार इस बार मानसून राजस्थान में तय समय से देरी से आएगा। तो दोस्तों कुल मिलकर इस बार जो है मानसून लेट है, भले ही वह अंडमान निकोबार में 2 दिन पहले पहुंच चुका हो, परंतु मौसम विभाग का और भारतीय मौसम विभाग का, साथ ही भारतीय मौसम विभाग की प्राइवेट संस्था स्काईमेट, दोनों का कहना है कि मानसून अपने तय समय पर ही आएगा, भले ही वह 2 दिन पहले इन क्षेत्रों में आ गया हो। दोस्तों मौसम का हाल, पारा पड़ने की आशंकाएं। दोस्तों फिलहाल मानसून के आने में देरी है, ऐसे में प्रदेश के लोगों को गर्मी से राहत मिलने के आसार कम ही मिल रहे हैं जयपुर में। और बादलों की आवाजाही थमने पर अब दिन में फिर से झुलसाती गर्मी का एहसास होने लगा है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो अगले 24 घंटों में प्रदेश के 1-2 जगहों को छोड़कर शेष जिलों में मौसम जो है शुष्क रहने से दिन व रात पारा सामान्य से ज़्यादा रहने का अंदेशा है। प्रदेश के ऊपर पश्चिमी इलाकों को लेकर पश्चिमी विक्षोभ उत्तरी राज्यों का रुख कर रहा है। वहीं पश्चिमी राजस्थान में सक्रिय चक्रवात तंत्र भी दक्षिण पश्चिम हिस्सों में सक्रिय है। ऐसे में प्रदेश के उत्तर पूर्वी जिलों में अगले 24 घंटों में गर्मी के तेवर फिर से तीखे रहने का अनुमान है। बीते 24 घंटों में पश्चिमी राजस्थान में फिर से झुलसाती गर्मी का दौर जारी है। दिन का तापमान 40 डिग्री व उससे पार पहुंचने लगा है और दिन में आसमान में अंगारे बरसने लगे हैं। दोस्तों अगला अपडेट है मरवाड़ा में मौसम बदलने की संभावनाएं। दोस्तों आंधी और बरसात का मौसम थमने के बाद रविवार को मारवाड़ के अधिकांश हिस्सों में उमस रही और तापमान 40 डिग्री के आसपास पहुंच गया। इससे दोपहर में तेज गर्मी से लोग जो है परेशान हुए और मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में अगले 24 घंटों में तेज हवा के साथ बरसात होने की प्रबल संभावनाएं बनी हुई है, यानी कि 21 मई को आ सकता है इन क्षेत्रों में बारिश और आंधी। दोस्तों अगला अपडेट की ओर चलें तो अगला अपडेट है उत्तर प्रदेश के लिए। दिल्ली समेत कई राज्यों में फिर करवट लेगा मौसम, चलेगी धूल भरी हवा और हल्की बारिश। दोस्तों दिल्ली NCR समेत पूरे उत्तर भारत में मौसम में उतार चढ़ाव का सिलसिला आगे भी जारी रहने के आसार दिख रहे हैं। भारतीय मौसम विभाग IMD के पूर्वानुमान के मुताबिक मौसम उतार चढ़ाव के बीच बुधवार से दिल्ली की फिजा दोबारा करवट लेगी। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से तेज धूप भरी हवा भी चलेगी और बारिश भी होगी, हालांकि गर्मी के तेवर पूरे सप्ताह ही ढीले रहने के आसार है। तापमान भी 40 डिग्री के नीचे रहेगा, लेकिन मौसम विभाग के अनुसार सोमवार को तापमान 38 डिग्री तक जा सकता है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस दिलाएगा राहत। दोस्तों स्काईमेट के मुताबिक पिछले 24 घंटों से दिल्ली का मौसम शुष्क चल रहा है और इसी वजह से अब तापमान बढ़ेगा। वहीं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अगले 2 से 3 दिनों के दौरान यानी 22 मई को उत्तर भारत के करीब आ सकता है, जिससे गर्मी से मौसम में राहत मिलने की उम्मीदें हैं। इस मौसम में बदलाव के कारण पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश में धूल भरी आंधी और गरज के साथ बारिश होने के आसार दिख रहे हैं। सप्ताह के अंत तक मौसम होगा सुहावना।
दोस्तों मौसम विभाग के मुताबिक सोमवार और मंगलवार को हालांकि बारिश तो नहीं होगी, लेकिन आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। इससे गर्मी भी चुभन ज़्यादा महसूस होगी। तापमान में 38 से 24 डिग्री सेल्सियस 23 जो है रहेगा। इसके बाद पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से बुधवार से मौसम में परिस्थितियाँ बदलने लगेगी और लगातार 3 दिन बाद बारिश की संभावनाएँ बनी रहेगी। इसके बाद सप्ताहांत में दिल्ली का मौसम सुहावना ही रहेगा। लेकिन दोस्तों कुल मिलकर यह आने वाला सप्ताह जो है आने वाले 3-4 दिन हैं दिल्ली और खास करके उत्तर भारतीय क्षेत्रों में आंधी और हल्की बारिश का दौर जारी रहेगा, तो यहां के लोग सावधान रहे, सतर्क रहे। इस बीच रविवार को मौसम साफ ही रहा, धूप भी तपन भी महसूस हुई। अधिकतम तापमान जहां सामान्य से 3 डिग्री नीचे था वहीं 37.2 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री कम 23.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं नमी का स्तर 24 से 74% दर्ज हुआ। दोस्तों अगला अपडेट है, आज मौसम रहेगा शांत, कल से चलेगी धूल भरी आंधी। अगला अपडेट भी दोस्तों आंधी को लेकर ही मौसम विभाग द्वारा बताया गया है। राजधानी दिल्ली में लेकर फिर अपडेट जारी हुआ है। राजधानी दिल्ली में बारिश के बाद गर्मी से थोड़ी राहत मिल सकती है, लेकिन रविवार को तापमान में एक बार फिर गर्माहट दर्ज की गई। आने वाले दिनों में दिल्ली का तापमान बढ़कर 39 डिग्री पहुंचने के साथ साथ धूल भरी आंधी का सिलसिला शुरू होने के आसार हैं। मौसम विभाग के मुताबिक रविवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान 37.2 और न्यूनतम तापमान 23.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। सोमवार को दिल्ली का तापमान बढ़कर 38 डिग्री पहुँच गया। इस बीच आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहे और मंगलवार और बुधवार को दिल्ली में 38 से 39 डिग्री तापमान के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी आंधी आने की प्रबल संभावना है। तो दोस्तों दिल्ली में आ सकती है भीषण आंधी, तो यहाँ के लोग फिर से सावधान रहें, क्योंकि भारतीय मौसम विभाग, स्काईमेट वेदर व अन्य सभी संस्थाओं ने कल के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। तो पूरी संभावनाएं बन रही है कल की आंधी के लिए, तो यहाँ के लोग सावधान रहे, सतर्क रहे। और दोस्तों इसके बाद गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को दिल्ली का तापमान करीब 39 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार है। यानी कि दोस्तों दिल्ली में बारिश तो होगी, परंतु हल्की बारिश होगी, परंतु आंधी और तूफान आने की प्रबल संभावनाएं बनी हुई है। इस बीच भी 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी आने की संभावनाएं हैं। इसके साथ ही गरज के साथ हल्की बारिश भी आ सकती है, लिहाजा लोगों को इस बीच गर्मी में लू के थपेड़ों से थोड़ी राहत मिल सकती है, लेकिन धूल भरी आंधी परेशानी का कारण भी बन सकती है, क्योंकि दिल्ली में वैसे ही प्रदूषण स्तर बढ़ा हुआ रहता है। दोस्तों अगली अपडेट है, 21 से फिर बदलेगा मौसम, आंधी और बारिश से गिरेगा पारा। अगला अपडेट भी 21 तारीख को लेकर ही आया है। दोस्तों बारिश के थमने के बाद भले ही अब तापमान काफ़ी अधिक नहीं बढ़ा हो, लेकिन उमस की वजह से लोग परेशान हो रहे हैं और तेज़ धूप और उमस की वजह से चिपचिपी गर्मी ने लोगों को परेशान कर रखा है। मौसम विभाग के अनुसार 21 मई से दिल्ली और NCR का मौसम फिर बदल सकता है। रविवार को अधिकतम तापमान 37.2 डिग्री रहा। और दोस्तों आने वाले समय में सभी संस्थाओं का कहना यह है कि 21 तारीख को फिर से मौसम विभाग के अनुसार आ सकती है भयंकर वो भीषण आंधी इन क्षेत्रों में। स्काईमेट का कहना है कि पिछले 24 घंटों से दिल्ली का मौसम शुष्क चल रहा है और इसी वजह से अब तापमान बढ़ेगा। वह 2 से 3 दिनों के बाद वेस्टर्न डिस्टर्बेंस 22 मई को उत्तर भारत के करीब आ सकता है, जिससे गर्म मौसम से राहत मिलने की उम्मीदें हैं। और इस मौसमी सिस्टम के कारण पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश धूल भरी आंधी और गरज के साथ बारिश होने के आसार है। 3 दिन साफ रहेगा मौसम, फिर बारिश के आसार। अगला अपडेट है दोस्तों जो कि निकल के आया है नोएडा के लिए। दोस्तों बारिश के बाद गर्मी से मिली राहत का दौर आगे भी कुछ दिन बना रह सकता है। अभी शहर में तापमान 40 डिग्री से कम चल रहा है और अगले 3 दिन तक मौसम का मिजाज सामान्य रहने का अनुमान है। इसके बाद 22 से 24 मई के बीच फिर अच्छी बारिश होने के आसार है। तो दोस्तों खास करके उत्तर भारतीय क्षेत्रों में 22, 21, 22, 23, 24 4 दिनों के लिए मौसम में बड़ा बदलाव होने वाला है और अधिकांश क्षेत्रों में धूल भरी आंधी के साथ बारिश होने की संभावनाएं भी बनी हुई है, क्योंकि नोएडा क्षेत्र में दोस्तों 22 से लेकर 24 मई के लिए मौसम विभाग ने अच्छी बारिश का अनुमान जताया है। पर 3-4 दिन पहले हुई बारिश के बाद अधिकतम तापमान सामान्य से 60 डिग्री सेल्सियस नीचे चला गया। अब अगले 3 दिन तक तापमान 38 डिग्री सेल्सियस क्या रहेगा। चलते अगले अपडेट की ओर जो कुल आया है मानसून को लेकर। दोस्तों साउथ मानसून 2019 का काउंटडाउन शुरू, 4 जून को पहुंचेगा केरल। मानसून को लेकर बड़ा अपडेट है दोस्तों स्काईमेट ने कहा है कि मानसून 2019-22 मई को अंडमान निकोबार द्वीप पहुंचेगा, लेकिन 2 दिन पहले ही वहां पर पहुंच चुका है और दक्षिण पश्चिम मानसून 2019 के लिए अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। प्राइवेट सेक्टर की कंपनी स्काईमेट वेदर सर्विसेज ने मंगलवार को बताया है कि इस साल मानसून समय पर आएगा और 4 जून को यह केरल के तट से टकराएगा। कंपनी ने अपने इस अनुमान में 2-3 दिन आगे पीछे रहने की संभावनाएं व्यक्त की है। स्काईमेट ने कहा है कि मानसून 2019-22 मई को अंडमान और निकोबार द्वीप पहुंचेगा, लेकिन 2 दिन पहले ही वहां
पहुंच चुका है। इससे पहले स्काईमेट ने इस साल मानसून के सामान्य से कम रहने का अनुमान व्यक्त किया था। स्काईमेट के पूर्वानुमान के अनुसार इस साल मानसून पर अनलिनो का असर पड़ सकता है और इस साल मानसून सामान्य का 93% रह सकता है। वहीं भारतीय मौसम विभाग को लेकर इस साल में कहा है कि मानसून सामान्य रहेगा और साथ ही जो है 96% बरसात का अनुमान जताया है। यानी कि दोस्तों दोनों के अनुमान में थोड़ा थोड़ा विरोधाभास है, अब देखते हैं किसका अनुमान सही होता है। तो दोस्तों था लेटेस्ट अपडेट मानसून और मौसम विभाग को लेकर, तो लोग सावधान रहे, सतर्क रहे, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सब लोग जान सके मौसम विभाग के लेटेस्ट और ताज़ा अपडेट को और सावधान रह सके। इस वीडियो में इतना ही, फिर आपके लिए उपस्थित होंगे नई जानकारी के साथ। तब तक लिए दोस्तों खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्ते इंडिया।